Hi people, how are you all doing? I hope you all are doing very well. And congratulations to those who got the jobs. And for those, stay focused, jinko abhi nahi mili hai. So today's video is all about jobs, jobs and jobs. So today I will be covering Jet Airways mein jo abhi ongoing interviews hain October mein. So I thought of just picking that topic and talking to you about जेट एवेज के जो भी क्राइटेरियाज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑल दैट अगेन, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो उसमें गलतियां कर रहे हैं, जाते हैं, दे नॉट गेटिंग सिलेक्टेड फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन इम्प्रूव एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन कवर टुडे. सो इट्स ऑल अबाउट जॉब्स टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव जस्ट लॉग्ड इन माय फोन एंड लेट मी जस्ट रीच द जेट एवेज करियर पेज. तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है. मैंने भी गूगल के ऊपर जेट एवेज करियर्स लिखा है. तो जेट एवेज करियर्स जब आप लिखते हैं तो जेट एवेज करियर्स की एक वेबसाइट खुलती है, www.jetavis.com करियर्स. और वैसे भी आपके लिए इजी करने के लिए आई विल पोस्ट द लिंक फॉर यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दैट्स फॉर श्योर. बट दिस इज द एक्चुअल वे जो मैं आपको बता रही हूँ, सो दैट यू डोंट डिपेंड ऑन मी. आपको इसके ऊपर ही जाके चेक करते रहना चाहिए व्हेन देयर इंटरव्यूज आर कमिंग, व्हेन देयर यू नो विच वेन्यू एंड ऑल दैट. सो मेक इट अ हैबिट, डोंट जस्ट डिपेंड ऑन मी कि मैं आपको बताने के लिए वीडियो डालूंगी एंड देन दैट इज द ओनली टाइम यू कैन चेक. सो डोंट मेक दैट बैड हैबिट. येस यू डू वॉच माई वीडियोज, चेक दैट आउट, यू नो, बिकॉज आई एक्सप्लेन एवरीथिंग नाइस for you, but you must also make it a habit to check their web page by yourself. Don't just wait for me to come and tell you, okay? So Jet Airways ka page maine khola hai abhi. उसको स्क्रोल डाउन करके उसके नीचे सीधा ही आ जाता है वेन्यू डिटेल्स. सो आई एम गोना कवर द वेन्यू डिटेल्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. I badly need a cup of tea. Sorry guys, I have to sip a coffee or tea along with that. And Jet Airways hai jo is a very reputed airline in India, as you already know. Aur bahut sare log to sirf isliye fail ho rahe hain because they are not well prepared. Abhi thode din pehle mujhe kisi ka message aaya ki I was not well prepared, I got to know time to time, to mere se puri taiyari nahi ho payi. Then what's the point? अगर आप पूरे तैयार नहीं है तो it's better you don't go, rather having a bad name over there. अपनी तैयारी जो है अभी से, अगर आप ये क्रू बनना चाहते हो तो आपका फर्ज बनता है कि अभी से आप अपनी जो सारी चीज़ें हैं उनको आप जगह के ऊपर रखें, तैयार रखें, ताकि कभी भी आपको अगर एक दिन पहले भी इंटरव्यू का पता चलता है, you should be able to attend that. So I am all sorted now. बिना शुगर के ठीक है, कप ऑफ चाय. ओके, एक प्री मिक्सचर था, सो आई मेड दैट. So let's start without wasting any time. So I told you how to get to the page of Jet Airways Careers. Nahi to link I'm gonna post it for you, but make it a habit of checking their web page yourself. Don't depend on me, okay? So सबसे पहले आता है पंजाब में सिटी अमृतसर, 6 अक्टूबर को हो रही हैं 2017. टाइम है 11 बजे से 2 बजे तक का. बी देयर बिफोर एट लीस्ट 1 आवर और 2 आवर्स. 10-11 बजे बहुत लेट है, आप 9 बजे ही चले जाओ ताकि वहां के जो वॉशरूम्स वगैरह है यूज करके आप अपने आप को अच्छे से, आप मेकअप टचअप कर सकते हो, बाल ठीक कर सकते हो, अगर लड़के हैं तो अपने शूज अच्छे से पॉलिश कर सकते हो, क्योंकि इंडिया डेफिनेटली वहां बाहर निकलते हो तो गंदगी भी है और कभी कभी बहुत सारे लोग 3 व्हीलर्स लेके जाते हैं तो पसीना आ जाता है. अगर आप 1-2 घंटे पहले वेन्यू पे चले जाते हो तो आप उनके वहां पे वॉशरूम्स होते हैं बहुत अच्छे, आप उनको यूज करके आप वहीं तैयार हो सकते हो एक्चुअली में. अगर कुछ एक लोग, अगर आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स इन इंडिया, ओवर हियर तो अगर आप अपने कपड़े भी वहां कैरी कर ले, शूज भी कैरी कर ले एक बैग में, और अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जो सामान आप उतारेंगे उनको रखने की जगह है, तो व्हाई नॉट टू चेंज इवन ओवर देयर. बट अदरवाइज कपड़े पहन के चले जाओ, मेकअप अपनी ग्रूमिंग जो है आप वहां जाके भी कर सकते हो. सो दिस इज अ टिप अलॉन्ग विद द यू नो इन्फॉर्मेशन. तो अमृतसर में हॉलीडे इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रंजीत एवेन्यू अमृतसर में हो रही है. जयपुर में हो रही है 6 अक्टूबर 9 बजे से 1 बजे. अगेन बी देयर बिफोर टाइम. होटल रॉयल ऑर्किड, टोंक रोड, दुर्गापुरा आई थिंक, जयपुर. सिटी पुणे में 6 अक्टूबर को हो रही है, नोवोटेल पुणे नगर रोड, वीकफील्ड आईटी सिटी, इन्फो पार्क, सर्वे नंबर 30/3, रामवादी विमान नगर, वेन्यू पुणे. ओके, सो मुंबई में हो रही है 7 अक्टूबर को 10 बजे से 2 बजे तक मॉर्निंग में, और एड्रेस है फोर्थ फ्लोर ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, साहर रोड, अंधेरी ईस्ट, नियर अंधेरी ईस्ट, वेन्यू रेलवे स्टेशन, मुंबई. या सो
आप प्लीज इसका जो वेन्यू है आप खुद ही चेक कर ले, बिकॉज सम वर्ड्स आई कैन नॉट प्रोनाउंस टू बी ऑनेस्ट. दिल्ली में हो रही है 9 अक्टूबर को 10 बजे से 2 बजे तक, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, रफी मार्क, न्यू दिल्ली. भोपाल में हो रही है 10 अक्टूबर को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, होटल आर के रेजेंसी, सावन नगर, मेन रोड, हलालपुरा. भोपाल वेन्यू है लाल घाटी भोपाल. चंडीगढ़ में हो रही है 11 अक्टूबर 2017 9 बजे से 1 बजे तक, गोल्डन प्लाजा होटल, पारस डाउनटाउन स्क्वायर, जीरकपुर, चंडीगढ़. देहरादून में हो रही है 12 अक्टूबर 2017, टाइम है 9 बजे से 1 बजे, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इन देहरादून, नियर ओएमजीसी हेलीपैड. वेन्यू गाढ़ी कैंट, देहरादून. सिटी कोलकाता है. इंटरव्यू डेट है 12 अक्टूबर को. टाइम है 10 बजे से 2 बजे. द सर्कल क्लब क्रॉसिंग ऑफ वीआईपी रोड, राजघाट, न्यू टाउन एक्सप्रेस वे, ऑपोजिट चारनॉक हॉस्पिटल. वेन्यू कोलकाता एयरपोर्ट, कोलकाता. सिटी कोची. इंटरव्यू डेट इज 13th ऑफ अक्टूबर 9 बजे से 12 बजे, फ्लोरा एयरपोर्ट होटल, ऑपोजिट. जस्ट अ मोमेंट, आई डोंट नो, समबडी इज कॉलिंग. व्हाई डोंट कॉल मी प्लीज, आई डोंट नो, सॉरी, माय फोन गॉन कंप्लीटली ऑफ. My phone gone off. Just give me a moment. Let me just get back to the page. I hope I can reach to the same page. Okay. तो हम बात कर रहे थे कोची की, आई थिंक. कोची 13th of October, 9 से 12, फ्लोरा एयरपोर्ट होटल, ऑपोजिट इंटरनेशनल टर्मिनल कोची एयरपोर्ट. नया थोडू पीओ कोची वेन्यू है. सिटी हैदराबाद 13 अक्टूबर है 10 बजे से 2 बजे, होटल तबला प्राइड, नेक्स्ट टू केयर होस्ट हॉस्पिटल, रोड नंबर 1, वेन्यू बंजारा हिल्स, हैदराबाद. सिटी बेंगलुरु में हो रही है. इंटरव्यू है 14th को 10 से 2 बजे तक, एमिटी ग्लोबल बिजनेस स्कूल, 372 एसटी जॉन्स हॉस्पिटल रोड, थर्ड ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु. सिटी दिल्ली में फिर से हो रही है 24 अक्टूबर 10 से 2, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, रफी मार्क, न्यू दिल्ली. सिलगुड़ी में हो रही हैं, बट उनके वेबसाइट के ऊपर गाइज आप चेक कर लिया करो खुद भी, बिकॉज कभी कभी वो इंटरव्यूज पब्लिश करते हैं एंड देन दे कैंसिल इट लास्ट मिनट, सो बिफोर यू गो प्लीज चेक इट. अगेन समबडी वाज कॉलिंग, सॉरी. सिलगुड़ी में 25 अक्टूबर 10:30 से 2 बजे, क्लब मंटासा विस्ता बाय कंक्लेव ई जोन, उत्तर रायोन, न्यू टाउनशिप, मटीगारा, सिलगुड़ी. तो आप ऐसा करें, इनका वेबसाइट वगैरह प्रॉपर चेक करने, जो होटल है कॉल देम बिफोर यू गो, सो दैट यू आर श्योर कि वहां पे इंटरव्यूज होने हैं, क्योंकि कभी कभी ये लोग वेन्यूज चेंज भी कर देते हैं या कैंसिल भी कर देते हैं, सो डोंट जस्ट डिपेंड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन. सिटी मुंबई अक्टूबर 28 10 बजे से 2 बजे, HDIL बिल्डिंग, 4th फ्लोर ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, साहर रोड, अंधेरी ईस्ट, नियर अंधेरी ईस्ट, वेन्यू रेलवे स्टेशन, मुंबई. कैंडिडेट्स का अभी प्रोफाइल, सबसे पहले तो जो मैंने वेन्यूज कहे हैं गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जाके आपने लिंक के ऊपर क्लिक करके यू विल हैव टू हैव अ लुक बाय योरसेल्फ, बिकॉज कभी कभी मेरी प्रोनंसिएशन जो वर्ड्स की है इट्स नॉट कमिंग रियली करेक्ट, सो चेक इट योरसेल्फ कि कौन सा एड्रेस है, कितने बजे है, कौन सी सिटी है, चेक इट योरसेल्फ एज वेल. एंड अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे जो इन्होंने मांगा है कि क्या कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड उसके बारे में जो मेरे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल, मैं उनके ऊपर भी कोशिश करूंगी थोड़ा सा आपको बता दूं. एज बिटवीन 18 एंड 27, 18 से कम अलाउड नहीं है, 27 से ऊपर अगर आप हो तो आप फिर भी अपेयर कर सकते हो. लेकिन क्या होता है, यू विल हैव टू, जब आप फॉर्म भरोगे तो वो फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेप्ट करेगा. अगर नहीं कर रहा है तो उनके वेबसाइट के ऊपर एक सेपरेट ईमेल एड्रेस होता है. टेक इन एग्जांपल, अगर आप 28, 29, 30 हो लेकिन आपके पास कोई भी अच्छा ऐसा प्रीवियस एक्सपीरियंस है जो उनके काम आ सकता है, तो आप उनको एक सेपरेट ईमेल में वो मेंशन कर सकते हो जेट एवेज को कि ऐसी ऐसी बात है, इस वजह से मेरी एज ऊपर है, कैन यू कंसिडर मी. तो उस केस में वो आपको इंटरव्यू डेट जो है वो प्राइवेटली भेज सकते हैं और आपकी इंटरव्यू ले सकते हैं. सो ये एक क्लेरिफिकेशन है, अगर आपकी एज इससे ज्यादा है जो पब्लिश की हुई है, लेकिन अगर आपके पास इसी फील्ड से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हो. मिनिमम हाइट है मेन के लिए 170 सेंटीमीटर्स, विमेन के लिए है 157 सेंटीमीटर्स. प्लीज स्टॉप राइटिंग मी मैम मेरी हाइट तो 153 है, मेरी हाइट तो 163 है. वो मेरी लुकआउट नहीं है, वो एयरलाइन की लुकआउट है. उन्होंने जो मांगा है अगर आप में वो नहीं है देन इट्स अ प्रॉब्लम. तो वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है और आपको ही उसको रेक्टिफाई करना है. उसमें मैं आपको आंसर देके क्या, क्वेश्चन का आपके आंसर देके क्या मैं करूंगी, उसमें आपको मेरे आंसर में भी यही आएगा कि गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट. तो गिव इट अ ट्राई. वेट इन प्रोपोर्शन ऑफ योर हाइट, जो आपकी हाइट है वेट है बीएमआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए. एजुकेशन मिनिमम +2 है, अगर आप उससे नीचे हैं तो ऑफकोर्स यू कैन नॉट गो,
प्लस टू से ऊपर आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, आपने इंजीनियरिंग करी है, डॉक्टरी करी है, आप कुछ भी हो, आप जा सकते हो. तो स्टॉप आस्किंग मी दैट क्वेश्चन ऑल्सो कि मैम अगर मैंने ये किया है तो मैं जा सकता हूँ. आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो प्लस टू होनी चाहिए, उसके ऊपर आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो एक्सेप्टेड है. आई फॉरगॉट टू सिप माय टी. मैरिटल स्टेटस इट सेज अनमैरिड, लेकिन अगर आप मैरिड भी हो और कोई स्पेशल आपका इंसिडेंट हुआ है, कुछ भी है, सेंड देम एन ईमेल एंड क्लैरिफाई विद देम. और मे बी यू आर, इफ यू आर अ डिवोर्सी, इफ यू गॉट मैरिड बट इट डिडंट वर्क आउट, आप कुछ भी है, सेंड देम एन ईमेल. मैरिड होना कोई पाप नहीं है, एंड मुझे लगता है जेट एयरवेज को आने वाले टाइम में इस क्लॉज को हटा देना चाहिए कि दे आर ओनली सीकिंग फॉर अनमैरिड पीपल. सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज अगर आप बाहर यूएस में या किसी ऐसी कंट्री में ऐसे बोलेंगे तो इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन कि क्यों मैरिड लोग काम नहीं कर सकते क्या. सो इट लुक्स, इट साउंड रियली रियली बैड and odd. I think they should remove this clause, but so far it's there. Physical feature, pleasing personality, good personality, बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, स्माइल करके बात करना है कॉन्फिडेंस से, हाउ यू आर सिटिंग, हाउ यू आर टॉकिंग, हाउ यू आर वॉकिंग, दैट इज अबाउट प्लीजिंग पर्सनैलिटी. सो जस्ट टू लेट यू नो. क्लियर कॉम्प्लेक्शन, क्लियर कॉम्प्लेक्शन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल स्नो वाइट होना है आपको, लेकिन हाँ अगर आपके चेहरे के ऊपर हल्का फुल्का कोई दाग है, इफ दैट कैन बी कवर्ड विद मेकअप. लड़का और लड़की दोनों में मैं बात कर रही हूं. अगर ऐसा कोई स्कार है जो हाइड हो जाता है, आपके हेयर स्टाइल के नीचे है या किसी भी तरह से आप हाइड कर सकते हो, एंड यू लुक परफेक्ट एंड यू लुक नाइस, दैट्स ओके. छोटी मोटी हर एक के चेहरे के ऊपर कुछ मिलेगा, एंड दे कैन नॉट फाइंड ऑलवेज परफेक्ट पीपल एनी वे गाइज, सो गो फॉर इट. अगर आपके चेहरे पे थोड़ा सा कुछ भी है, इफ यू कैन डू अ नाइस मेकअप दैट कैन बी कवर्ड एंड दैट कैन बी मैनेज्ड. लैंग्वेज स्किल्स, फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड अ फॉरन लैंग्वेज इज एडेड एडवांटेज. तो अगर हिंदी और इंग्लिश आपको अच्छे से आती है, गुड. एंड उसके अलावा अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है, इट्स इवन गुड. अगर नहीं आती है कोई बात नहीं. इंटरेक्टिव स्किल्स, इंटरेक्टिव स्किल्स होते हैं हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर्स. आप किसी को टोकते कितना हो, आप बात करते हुए आप उनकी बात को सुन के कैसे जवाब दे रहे हो, आप नॉड करते हो, आंखों में देखते हो, आपने जब किसी की बात सुनी तो किस तरीके से सुनी और जवाब किस तरीके से दिया, इसको हम कम्युनिकेशन का हिस्सा बोलते हैं. तो एक्सलेंट कम्युनिकेशन, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स. नेशनैलिटी, इंडियन सिटीजन ओनली, तो इंडियंस ही अप्लाई कर सकते हैं. पासपोर्ट, मस्ट हैव अ पासपोर्ट. अगर आपने पासपोर्ट नहीं अभी अप्लाई किया है, आई मीन इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर जेट एयरवेज इंटरव्यू, प्लीज अभी अप्लाई कर दो. सो यू हैव अ एप्लीकेशन नंबर एंड यू कैन टेल देम कि मेरे पास पासपोर्ट अभी नहीं है बट आई हैव अप्लाइड फॉर इट, एटलीस्ट दे कैन सी दैट फॉर्म. मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन, आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने साथ लेके जाना है, और गाइज प्लीज अगर नहीं है तो अप्लाई ना. ट्रेनिंग फीस, जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं जेट एयरवेज के, आप इंटरव्यू में गए, आपकी पूरी इंटरव्यू के जितने राउंड्स हैं हो गए, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट होने के बाद जब वो आपको ऑफर लेटर दे देंगे, पेपर वर्क हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग फीस है वो आपसे लेते हैं, वो भी ट्रेनिंग के लिए, और वो भी इस तरह से लेते हैं, ऐसे ड्राफ्ट में लेते हैं कि वो ब्लैक मनी नहीं होती. दैट इज लाइक अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम जेट एयरवेज. सो स्टॉप गेटिंग रिप्ड ऑफ बाय और दिस ऑनलाइन वेबसाइट्स जहां पे आप, आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर सेंडिंग मनी. कोई भी फोन पे, फोन की इंटरव्यू पे आपसे पैसे डिमांड नहीं कर सकता. सो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट गाइज, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. सो जेट एयरवेज में जब आप चुने जाओगे, जब आपकी सारे राउंड्स हो जाएंगे इंटरव्यू के, उसके बाद जब वो आपको एक ऑफर लेटर दे देते हैं, उसके बाद वो ट्रेनिंग फीस जाती है, उससे पहले नहीं जाती. सो बी अवेयर ऑफ दैट. उन्होंने लिखा इसलिए है क्योंकि कुछ लोग, क्या होता है, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जब ट्रेनिंग की बारी आती है तो कहते हैं हम इंटरव्यू, हमारे पास ट्रेनिंग के पैसे नहीं है. सो दैट्स वाई दे मेक श्योर, दे टेल यू दिस एट दिस पॉइंट कि 50,000 रुपए उनकी ट्रेनिंग फीस है जो वो लेते हैं और वो रिफंड नहीं करते हैं. और वो इसलिए होती थी या होती है, आज के टाइम में बहुत सारे लोग जेट एयरवेज से ट्रेनिंग लेते थे और भाग जाते थे किसी और एयरलाइन में, बिकॉज जेट एयरवेज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग है कैबिन क्रू की. तो लोग ऐसा करके जब उनका एडवांटेज ले रहे थे तो तभी उन्होंने ये फीस एक लगाई है टू प्रिवेंट दिस, ताकि कोई भागे ना. उसके अलावा वेन्यू डिटेल्स जो है, एक्सपीरियंस क्रू के लिए भी यहाँ पे अलग से एक सेक्शन है. सो एक्सपीरियंस, माय एक्सपीरियंस क्रू मेंबर्स, आपको तो आई एम श्योर यू नो द स्टेप्स मेरे से बेटर, तो आप प्लीज इस वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं एंड यू कैन फॉलो द स्टेप्स एंड ईमेल देम और वट एवर यू हैव टू डू, जस्ट फॉलो द स्टेप्स. और फॉर माई फ्रेशर्स, जो लोग भी 18 से नीचे हैं, 10वीं कर रहे हैं, 9वीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप मैसेजिंग मी, बिकॉज ओके आई वॉन्ट टू इनकरेज यू, यू गाइज आर द फ्यूचर, बट अभी आपका टाइम नहीं है, अभी फोकस ऑन योर स्टडी,
डू वेल इन योर स्टडीज एंड पढ़ाई जो है वो आपके साथ जिंदगी भर चलती है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कल को आप केबिन क्रू बन भी जाते हैं तो मैं तो आपको सबको यही सजेस्ट करूंगी कि साथ साथ में कुछ पढ़ते रहें ताकि आपका फोकस जो है वो अच्छी चीजों में बना रहे और आप जो गलत चीजों से या गलत सोसाइटी से हमेशा बचे रहें। और जिनके माँ बाप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों को एटलीस्ट इंटरव्यू में जाने दीजिए, उनको घर पे ही नेगेटिव माइंड उनका मत कीजिए, बिकॉज एटलीस्ट इंटरव्यू पे जाके वो इंटरव्यू कैसे देना है, किस तरह से जवाब देते हैं, इंटरव्यूज में होता क्या है, किस तरह के इंटरव्यूज के वेन्यूज होते हैं, एटलीस्ट वो इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे तो उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा। सो गाइज विद दैट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू अपेयर इन जेट एवेज इंटरव्यू, गो फॉर इट, आई विश यू ऑल द बेस्ट हैप्पीनेस एंड प्लीज प्रिपरेशन अपनी 100% करके जाइए एंड इफ यू पास गुड, इफ यू फेल इट्स ओके, इट्स अ लर्निंग, यू नेवर फेल इन लाइफ, यू लर्न इन लाइफ, टेक इट दैट वे। सो टेक केयर फॉर नाउ, इफ यू हैवंट डन सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ, टेक केयर, बाय।